हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय ब्लॉग मीठी की दुनिया। हम लोग आए हैं होलिका माता के दर्शन करने के लिए। हम लोगों को माता के दर्शन अब बहुत अच्छे से हो गए, बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, धक्का मुक्की नहीं थी, बहुत आराम से हम लोगों ने आज दर्शन किए हैं। प्रसाद हमने चढ़ा दिया है, अब मिष्टी को थोड़ा सा मेला घुमा देते हैं, तो मिष्टी को कुछ टॉयस पसंद आएंगे तो वो ले लेंगी। और हम लोग घर से खाना बनाकर नहीं लाए हैं, बट जब हम मायके में रहते थे ना, तो मतलब पूरी सब्जी ये सब बनाकर लाते थे और यहाँ पर बैठ के आराम से खाते थे, बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अब हम लेकर नहीं आए हैं, तो थोड़ा टिक्की बता से जो भी हमें खाना होगा वो हम यहाँ पर खा के अपना मुँह जुटा लेंगे। यहाँ खाने पीने के लिए काफ़ी स्टॉल लगे हुए हैं, जैसे कि टिक्की, गोलगप्पे, चाउमीन, भेलपूरी, आइसक्रीम। तो पहले हम लोग खाने वाले हैं आइसक्रीम, उसके बाद देखते हैं और क्या खाएंगे। चलो आगे। हैं सनग्लासेस तो देख लो मिस्टर, देखना है तो निकलो, झूला झूलना है। यहाँ कुछ खाने का धर्म नहीं है भैया, इतनी की स्मेल आ रही है रखी का। चलो ऐसा लगता है धूल पंखड़ियों की आती है, वो जो भगवान के हाथ से हटा रहे हैं ना। इधर से बेटा, इधर से मिस्टू। अब हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए, तो हमें बाहर निकल के पहले ऑटो पकड़ना है, उसके बाद हम घर पहुंचेंगे। और यहाँ छोटे छोटे बच्चों के लिए झूले भी लगे हुए हैं, लेकिन मिस्टी को झूला नहीं झूलना है। मिस्टी से बोला कि झूला झूलो, तो बोल रही है मम्मा मैं अकेले पागल सा लगूंगा झूलते हुए, इसलिए मुझे नहीं झूलना है। मंदिर से आने के बाद मैंने चेंज किया, और चेंज करने के बाद मैं तुरंत ही आ गई हूँ किचन के अंदर। हस्बैंड को लग रही है भूख, क्योंकि वो हम लोगों के साथ नहीं गए थे, मैं एक दीदी के साथ गई थी और सुबह जल्दी निकल गए थे, तो ऐसा कुछ बना कर नहीं गई, बस एक सब्जी जल्दी से बना गई थी। और यहाँ पर मैं हरी वाली जो मोटी वाली मिर्च होती है ना, उसकी थोड़ी सी सब्जी बना लेती हूँ। आज ब्रेकफास्ट नहीं बनाया, क्योंकि मेले से आने के बाद हमें 11:30 हो गया था मंदिर से जब आए, तो फिर मैंने डायरेक्ट ना आज लंच स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ मैंने थोड़ी सी प्याज ली थी जिसे फ्राई करा, उसके बाद थोड़ी देर मैंने मिर्चों को फ्राई करा, फिर थोड़ी सी इसके ऊपर हींग डाली, हल्दी, धनिया पाउडर, चाट मसाले, यही सारे जो भी नॉर्मल मसाले होते हैं, और सौंफ पाउडर, ये सब डालकर मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। और हल्का सा नॉर्मल सा 2 चम्मच पानी डालकर इसे ढककर 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लूँगी। और ये मिर्चें ना अच्छी लगती हैं खाने के साथ। थोड़ी सी डाली है मैंने इस पर अमचूर, और स्वाद के अनुसार नमक। जब बाहर से आओ ना, तो एक थकान सी हो जाती है, भले ऐसा कुछ हमने काम नहीं किया होता है, लेकिन भाई आने जाने में ही थकान सी महसूस होने लगती है। और इस समय मेरा बिल्कुल भी खाना बनाने का मन नहीं कर रहा था, बट यही है ना कि हम लेडीज़ नहीं बनाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, हम लोगों को खाना भी नहीं मिलेगा। और आज सच में ना बहुत अच्छे से दर्शन हुए, वरना हर बार हम ना स्टार्टिंग में, मतलब होली के बाद मेला स्टार्ट हो जाता है होलिका माता का, तो हम स्टार्टिंग में चले जाते थे, तो बहुत ज़्यादा लंबी लाइनें होती थी, लाइनों में लगना पड़ता था, धक्का मुक्की होती थी, उसके बाद कहीं हमें माता के दर्शन होते थे। लेकिन आज बहुत अच्छे से दर्शन हुए, बिल्कुल भी भीड़ नहीं मिली, लाइन तो थी नहीं वहाँ पर। और ये देखिए मिर्च हो गई है बिल्कुल तैयार, अब इसमें मैं ना आधा नींबू निचोड़ दूँगी, तो ये हल्का सा इसमें खट्टापन सा आ जाएगा, तीखा एंड खट्टा।
और मैंने क्या बनाया है लंच में अभी आप लोगों को दिखाऊंगी। अब सेक लेती हूँ मैं थोड़ी सी गर्मा गर्म रोटियाँ। लंच करने के बाद मुझे कपड़े भी वॉश करने हैं, क्योंकि मॉर्निंग में कपड़े वॉश कर कर नहीं गई थी। मिस्टी को उठाना बहुत भारी काम हो जाता है इस समय ना। मिस्टी के क्या मतलब, मुझे लगता है सभी बच्चों के पेपर ख़त्म हो चुके हैं और छुट्टियाँ पड़ गई हैं, तो मिस्टी का जो रिज़ल्ट है वो 25 डेट को मिलेगा। उसके बाद मिस्टी फर्स्ट क्लास में आ जाएंगी। 4 अप्रैल से मिस्टी का न्यू सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी तो हम बाहर कहीं भी घूमने के लिए नहीं जा रहे हैं, क्योंकि 25 डेट भी आ ही जाएगी, रिजल्ट भी लेना है, और 22 से नवरात्रि स्टार्ट हो जाएंगे। तो ऐसे माता को पीठ देकर कहीं जाते भी नहीं हैं। तो अब हम मई या जून में जब जाएंगे तब जाएंगे। आप लोगों से बातें करते करते मेरा लंच भी तैयार हो गया। और ये देखिए मिर्च ना बहुत यमी दिख रही है और यमी लग भी रही थी, और कढ़ी भी बहुत टेस्टी बनी थी आज की। तो भाई जैसे जैसे लंच पर आना है आप लोग आ जाइए। जल्दी से लगा लेती हूँ अब लंच, और साथ में मैंने ना पुदीने की थोड़ी सी चटनी पीस रखी थी, कल पीसी थी, और इस पर ना थोड़ी सी प्याज आप कट करें बारीक बारीक, तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। और मैंने साथ में चावल भी बनाए हैं। लंच करने के बाद फिर मुझे बर्तन वॉश करने हैं, बर्तन वॉश करने के बाद मुझे कपड़े वॉश करने हैं। तो हम लेडीज़ों का ना पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, मतलब एक काम करते हैं उसके बाद दूसरा काम हमें याद आ जाता है कि हाँ इस काम के बाद हमें ये वाला काम करना है। और चावल भी देखिए काफ़ी खिले खिले बने हैं। हम लोग आए हैं विशाल मेगा मार्ट में कुछ शॉपिंग करने। मेन चीज़ लेने आए थे फ्रिज का कवर, बट वो तो मिल ही नहीं रहा है। तो सोचा कि मिस्टी के कुछ प्रोडक्ट थे जो हम लोगों को लेने थे, साबुन शैम्पू ये सब उसका ख़त्म हो गया था, तो सोचा चलिए ले लेते हैं। तो आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा और देखते हैं क्या क्या लेते हैं। वैसे तो इरादा था नहीं ऐसा कुछ लेने का, जो चीज़ मेन थी वही चीज़ यहाँ पर मिली नहीं है। हाँ मेरी चीज़ मेरी मिली जो कि फ्रूट लेंगे आपका। हाँ फ्रूट जूस ना, तो वो लेंगे। बच्चा बेबी प्रोडक्ट है, ये वाइप्स है स्किन को केयर करने के लिए, जैसे हम ट्रेन उन में चलेंगे ना। छोटा वाला लो आप, ये पकड़ो फिर मैं देखती हूँ। ये वाला नहीं वाला, ये मेरे लिए भी। ये इतना बड़ा लेके क्या करोगे, ये भी बच्चों का ही बेटा, स्किन केयर वाइप्स है। चलो अभी देखते हैं, पापा से पूछते हैं। इतना आप पकड़ो, ये भारी लग रहा है। शैम्पू वैम्पू तो लेना नहीं है। मिस्टी मुझे बोले ना था, कंफर्ट देखती हूँ छोटा। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, जो पिलो कह रही थी वो देख लो। ये रहने दे मिस्टू, संदीप टॉयज लेके जाओ। संदीप जो चीज लेने आए थे बेटा वो ही नहीं मिली। हम लोग विशाल मेगा मार्ट से बाहर निकल आए हैं। कुछ ऐसा खास नहीं लिया हम लोगों ने, मिस्टी ने थोड़ा सा अपने लिए शॉपिंग की थी, तो वो आपको घर जाकर दिखाएंगे कि मिस्टी ने क्या क्या लिया है। इधर ही रहो बेटा साइड में।
और ये खानी है सर? हाँ भैया खानी है। और ये आ गई है हमारी गर्मा गर्म पाव भाजी की प्लेट। तो आ जाइए भाई आप लोग भी गर्मा गर्म पाव भाजी खाने के लिए। और इनकी जो भाजी होती है ना बहुत ही टेस्टी होती है। और यहाँ हम लोग आ गए हैं जूस प्लाजा पे। तो मिस्टी को ना चॉकलेट शेक पीना था। मेरा कोई भी शेक पीने का बिल्कुल भी मन नहीं था क्योंकि मुझे ना कई दिनों से खांसी हो रही है और मेरी खांसी जाने का नाम ही नहीं ले रही क्योंकि मैं कुछ ना कुछ अटरम सटरम खा लेती हूँ। लेकिन हस्बैंड नहीं माने, उन्होंने मेरे लिए यहाँ पर कोल्ड कॉफ़ी विद आइसक्रीम बनवा दी है और बोल रहे हैं पहले पी ले उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। तो चलिए पी लेते हैं बाद में देखेंगे क्या होता है। मिस्टी का आ गया है चॉकलेट शेक और मेरा है कोल्ड कॉफ़ी विद आइसक्रीम। तो मैं मिस्टी को ना बोल रही थी मिस्टी इसका भी फ्लेवर टेस्ट करो क्योंकि मिस्टी कई बार बोलती थी कि मम्मा मुझे कोल्ड कॉफ़ी पीनी है लेकिन उसे अपना चॉकलेट शेक ही इतना अच्छा लग रहा है कि वो मेरा वाला टेस्ट ही नहीं कर कर देख रही है। हमारे पास अभी दो पुअर अंकल आए थे जो कि पैसे मांग रहे थे लेकिन मेरे हस्बैंड का नेचर है कि वो पैसे देना ना कम पसंद करते हैं। वो बोलते हैं कि आप लोग खाना खा लीजिए, दो वक्त की किसी को रोटी खिलाओ ना तो सच में दुआ भी मिलती है। तो उन लोगों ने बोला कि हमें खाना नहीं है, आप हमारा पैक करा दीजिए, हम बाद में खाएँगे। तो मिस्टी के हाथ से हम पैक करा के बस उन लोगों को वही खाना दिलवा रहे थे। हम लोग घर आ गए हैं और मेन चीज लेने गए थे फ्रिज का कवर, तो वो तो मिल नहीं पाया विशाल में। अब और कहीं देखेंगे मिल जाएगा तो लेकर आएंगे क्योंकि मुझे ना किचन में सेट कर दिया है तो लाना अर्जेंट था क्योंकि फ्रिज जब मैं बर्तन वॉश करती हूँ तो फ्रिज पे उसका पानी जा रहा है और लग रहा है कि कहीं कलर उलर डैमेज ना हो जाए। लेकिन यहाँ पर मिला ही नहीं, मेल लेने वही गई थी मैं कि फ्रिज का कवर ही लेकर आऊँगी, वो मिला नहीं। लेकिन आलतू फालतू चीज़ें आ गई है हमारे घर में, विशाल जाएँ या कहीं भी मॉल जाएँ खाली हाथ आ जाएँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मिस्टी अपने खाने का ही कुछ सामान लेकर आई है। खाना हम लोग अब खाएंगे नहीं क्योंकि पाव भाजी खाए थे और शेक पी लिया था तो पेट फुल हो रहा है ना। क्या खाना है? कुछ तो हम लोग कुछ खाएंगे नहीं, थोड़ी देर बाद सो जाएंगे। फिलहाल अभी टाइमिंग सोने का नहीं हुआ है, अभी 8:30 बज रहा है। मिस्टी क्या क्या लेकर आई है? क्यों नहीं, आपको तो कह रही मम्मा इतना पेट भर गया मुझे नींद आ रही है। अब नहीं आ रही नींद, उड़ गई। तो मिस्टी क्या लेकर आई है आप लोगों को दिखाती हैं। ये क्या लेकर आए हो बताओ, क्या है ये? ये तो हार्ट वाले बिस्किट है, लिटिल हार्ट। और भाई ये देखो इतना भारी जूस, ये है एप्पल का जूस। और ये दो है अपने वेफर्स, और ये टू वेफर्स है, और एक येलो है और एक पिंक है। ये मसाला पोटैटो चिप्स है। मिस्टी का ना साबुन नहीं था और मैं जॉनसन बेबी का ही प्रोडक्ट यूज करती हूँ तो साबुन ले आई। और ऑयल जो था ना मिस्टी अभी विंटर में तो बादाम वाला डाल रही थी, अब उसे रोक दूंगी और ये वाला यूज करने लगूंगी। ये चॉकलेट की चोको पाई, और ये चोको पाई है। और हैंड वॉश नहीं था, मतलब था लेकिन खत्म होने के उसमें था तो ये उठा लाई हूँ सिंथॉल का। बहुत सारे रेड्स मिलते हैं, ये देखो इधर पीछे कोई नहीं है। तो बस तो इतना सही सामान कितने का आ गया पता है? कितने का है? 700 का आ गया है। 1000 लग गए क्योंकि आपने शेक उक पिया है ना? मैंने नहीं, आपने भी। हाँ तो हमने भी पी थी तो आपने भी तो पिया। पैसे पापा ने दिए, अब मिस्टी की ना पॉकेट मनी में से कट कर देंगे। क्यों? और क्या मिस्टी, अब चीटिंग क्या है? आपने भी पिया था, आपके पॉकेट मनी से भी कट करेंगे। मिस्टी अपने खाने पीने का सामान लाई है तो मिस्टी की पॉकेट मनी में से ही तो कट होगा ये। 2000 ब्लॉक का कर देते हैं अब हम यहाँ पर ही, एंड मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉक में। जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर माय यूट्यूब फैमिली। मिस्टी लाइक नहीं करते हैं, कई लोग ना लाइक लेकर भाग जाते हैं, तो आप क्या कहना चाहोगी? मैं कहना चाहूंगा कि आप सब बड़े होके बहुत बड़े इंजीनियर बनिए और लाइक मत लीजिए। ठीक है भाई, मिस्टी ब्लेसिंग दे रही है सब इंजीनियर बनना क्योंकि मिस्टी भी शायद बड़े होके इंजीनियर का ख्वाब देख रही हो। है इंजीनियर बनना है क्या आपको? इंजीनियर बनोगी तभी तो भाई लाइक कर देना, और जो नए आए
वो सब्सक्राइब कर देना। और जब तक नहीं मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय 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 बाय। और सारा जैसे कैसे करते हैं ऐसे हाथ ही डाल के, इतना बड़ा करो, आप भी ट्राई करो। नहीं से नहीं हो रहा, मतलब सौरभ जोशी की तरह बनना है आपको। हाँ चलिए, बाय बाय से, बाय बाय बाय।